नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, बाल्यकाल से हम सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, किताबों में भी और धर्म ग्रंथों में भी ये बातें लिखी हुई हैं कि सबको प्रेम करो, सबको सम्मान दो और सभी की दुआएं लो। सुंदर सुंदर सी बातें हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये भी सुना है कि घृणा करो? नहीं सुना होगा ना। लेकिन आज सुबह सुबह ये सुंदर सुवाक्य हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो सीख से भरी हुई है कि किससे घृणा करो और किससे नहीं। आइए सुनते हैं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गौतम बुद्ध। हम अक्सर सोचते हैं कि पापी से घृणा करना स्वयं पाप से घृणा करने जैसा है। जब कोई कमजोर हो जाता है तो पाप करता है। यदि हम सभी को भविष्य की संभावना के रूप में देखें, तो हम जानेंगे कि यदि हम पर्याप्त प्रेम और स्वीकृति दें, तो पापी भी संत बन सकता है। पाप और पापी को अलग अलग सत्ताओं के रूप में देखकर हम लोगों को जज करना बंद कर देंगे और पापी के प्रति घृणा को दूर करने और सहानुभूति विकसित करने में सक्षम होंगे। पापी को स्वयं को बदलने की शक्ति केवल प्रेम और स्वीकृति की ऊर्जा से मिलेगी, घृणा से नहीं। सच ही तो है, यदि हमारे अपनों में किसी प्रकार की कोई बुराई हो तो हम उस बुराई को निकालने की कोशिश करते हैं, ना कि उन्हें ही घर से निकाल देते हैं। या फिर हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो हम उसका भी इलाज करते हैं, ना कि शरीर छोड़ने की बात सोचते हैं। सत्य बात है, इसीलिए हम औरों के साथ प्रेमपूर्ण रहते हुए उनके जीवन में सुधार लाने की पूरी पूरी कोशिश करें और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी संपूर्ण रूप से हम ध्यान रखें। इसीलिए आपकी सेहत आपके हाथ में। नित्य हम नई नई बातें लेकर आते हैं। आज कुछ सुंदर आदतों के बारे में। एक अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना। माता पिता हमेशा से हमें सिखाते रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो, उठ करके पढ़ो, ईश्वर का ध्यान करो, आदि आदि इत्यादि। सुबह उठने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आइए आपकी सेहत आपके हाथ में आज इस पर सुंदर प्रकाश लेते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जैसा ही सुबह उठते हैं और उठने के लगभग आधे घंटे के बाद ही हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो दोनों किडनी के ऊपर होती है, एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन आवर थॉट्स, हम कैसे विचार, कैसी भावनाएं और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, जिसे हम वृत्ति भी कहते हैं, नज़रिया भी कहते हैं, वो हमारा उसके प्रति क्या है और हमारी क्या कौन सी मेमोरीज को हम इमर्ज करते हैं, कौन सी स्मृतियों को सुबह सुबह हम इमर्ज करते हैं। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन अगर बैलेंस में निकल जाता है तो अगले सारा दिन, मतलब पूरा जो नेक्स्ट 12 आवर्स और सो, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं वो शांति, प्रेम और खुशी से और एफिशिएंसी अधिक होती है, क्योंकि थॉट स्पीड स्लो रहती है और उसमें आप कोहेरेंस रहती है। और सारे दिन में आप जहाँ भी कोई भी कार्य, कुछ भी कार्य घर में करें या बाहर करें, उसमें आपकी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और आउटपुट अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप का सारा दिन शांति, प्रेम, खुशी से बीते, आनंद से बीते, अगर आप इस समय को कोई 8 बजे तक कोई भी टीम नेगेटिव विचार को नेगेटिव कर लें, भावना नेगेटिव, वृत्ति नेगेटिव हो या कोई स्मृति को नेगेटिव को जागृत कर लें, जो कि आप मोबाइल से, टेलीविजन से, इंटरनेट से, ये जब जो भी माध्यम है, गूगल से कोई भी चीज़ आप देखते हैं, तो आपको नेगेटिव टीम आने के चांस अधिक होते हैं और नेगेटिव बातें हो ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे कि आपके कॉर्टिसोल हार्मोन सुबह सुबह ज़्यादा निकल जाता है, जिससे सारा दिन थॉट स्पीड बढ़ी रहती है, आप इरीटेट होते हैं जल्दी जल्दी, अशांत रहते हैं, चंचल मन रहता है, बेचैन होते हैं, इरीटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं और आपकी एफिशिएंसी एकदम बहुत कम हो जाती है और शाम होते होते आप बहुत थक जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा दिन खुशी से बीते, तो आप ध्यान रखें 8 बजे तक आप मोबाइल, टेलीविजन और गूगल को अवॉइड करें और 8 बजे के बाद इसको टच करें और जहाँ तक हो सके उठने के बाद आप 8 बजे तक शांत रहें, कोई अच्छी बात पढ़ें, पॉजिटिव चीज़ पढ़ें, पॉजिटिव चीज़ देखें। और जैसे स्पेशली हमने जो दिखाया पिछले 37 साल का मेरा अपना अनुभव है कि हम सुबह सुबह उठते ही थोड़ा आधा घंटा मेडिटेशन करके और उसके बाद हम
मुरली, परमात्म महावाक्य से मुरली कहते हैं परमात्म, उसको हम पढ़ते हैं और उसको बार बार मनन चिंतन मन मन ही मन में रिवाइज करते हैं, महसूस करते हैं 8 बजे तक, तो हमारे सारा दिन बहुत ही अच्छा बीतता है और हमारी एफिशिएंसी निरंतर बढ़ती जाती है। ओम शांति। मित्रों, सवेरे सवेरे उठने के महत्व को सुनकर मुझे एक गीत की पंक्ति याद आ रही थी। वो गीत है, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सच में सुबह सुबह यदि हम ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं तो सारे दिन उनकी शक्ति हमें मदद करती रहती है आगे बढ़ने में और साथ ही परिस्थितियों को पार करने में। महाशिवरात्रि का पर्व भी अब सामने है, इसीलिए अब स्पिरिचुअल इंडिया में हम आज से लेकर के पूरी शिवरात्रि तक आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगमों की यात्रा कराएंगे, क्योंकि ये वो स्थल हैं जो हमारे मन को श्रद्धा से, भावना से, शक्ति से भरपूर कर देते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं सोमनाथ मंदिर से। सोमनाथ मंदिर पश्चिम गुजरात में पौराणिक सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। इतिहास में अलग अलग समय पर विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को कई बार लूटा और ध्वस्त किया गया है और इसका लगभग 17 बार पुनर्निर्माण किया गया है। पौराणिक कथाओं के अलावा आइए सबसे पहले स्थापित ज्योतिर्लिंग के कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को देखें। शिवरात्रि परमात्मा के बारे में प्रचलित कई भ्रांतियों पर स्पष्टता प्राप्त करने का सही समय है। परमात्मा के स्वयं के इल्हाम के अनुसार वह प्रकाश का एक बिंदु है और परमधाम में निवास करता है, जो सुनहरे लाल प्रकाश का एक गैर भौतिक आयाम है। और वे कहते हैं कि हमने आधा समय चक्र यानी सतयुग और त्रेता युग पूरा करने के बाद उन्हें पुकारना शुरू किया, क्योंकि तभी से आत्मिक शक्ति का ह्रास होने लगा और हम 5 विकारों से प्रभावित हो गए और उनके गुणों और शक्तियों के आधार पर हमने उन्हें भगवान, अल्लाह, यहोवा, अहुरा मज़दा, एक ओंकार, परमात्मा इत्यादि नाम से पुकारा। ईश्वरीय ज्ञान कहता है कि द्वापर युग की शुरुआत में राजा विक्रमादित्य को प्रकाश बिंदु परमात्मा का पहला दर्शन मिला और वह यह देखकर बहुत खुश हुए। इसे लगातार देखने के लिए उन्होंने एक अंडाकार ईरा बनाया और उसे एक आसन पर रख दिया और उन्होंने इसे ज्योतिर्लिंग कहा। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है वह जो दर्शाता है। यह दुनिया की पहली ऐसी संरचना बन गई जिसे प्रकाश बिंदु परमात्मा को याद करने के लिए खड़ा किया गया था। और खास बात यह है कि उस समय कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती थी, यह बहुत बाद में शुरू हुई। कोई प्रार्थना या मंत्र जाप नहीं, केवल परमात्मा के इस प्रतीक को देखकर प्रसन्न हो जाना। प्रकाश हमेशा जीवित यानी शिव है और कभी शव नहीं होता, इसलिए ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग भी कहा जाता था। यह है सोमनाथ मंदिर की कहानी और भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि परमात्मा एक है और वह प्रकाश बिंदु है। तो आइए दोस्तों, शिव को उनके वास्तविक प्रकाश रूप में याद करके इस शिवरात्रि को खास बनाते हैं। भक्त कितनी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, तो जरूर परमात्मा से उन्हें कुछ प्राप्ति तो अवश्य होती ही होगी ना। वो प्राप्ति, वो फल क्या है, कैसे वो प्राप्ति होती है, कब वो प्राप्ति होती है, ये भी जानना बहुत बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ही महाशिवरात्रि के लिए हम स्पेशल एक सेगमेंट लेकर आपके लिए आए हैं, शिव संदेश, जिसमें आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, जो ब्रह्म कुमारी इसके वरिष्ठ राजयोग शिक्षक हैं, वो इन सुंदर आध्यात्मिक रहस्यों को हम सबके सामने रखेंगे। आइए सुनते हैं। कितना अद्भुत दृश्य है परमात्मा का आत्माओं से मिलन, जिसका नाम शिव है, जो निराकार है, अजन्मा है, जिसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, जो सूक्ष्मति सूक्ष्म है, वो इस धरा पर
अवतरित होकर सभी को सत्य ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं और उनको भक्ति का फल दे रहे हैं जिन्होंने जन्म जन्म उसकी भक्ति की, उस पर दूध चढ़ाए, वो अब उनके ऊपर ज्ञान अमृत की बरसात कर रहे हैं। आइए आप सब भी उस परम पिता से मिलन मनाएं। ये मिलन जन्म जन्म के दुखों को नष्ट कर देता है। इस मिलन में इतना अद्भुत आनंद है कि आत्मा अनेक जन्मों की प्यास बुझा लेती है। ये मिलन अति कल्याणकारी है। जिन्होंने इस मिलन का रसास्वादन किया है उनका चित्त शांति के सागर में लहराने लगा है। भगवान आकर इस संसार को बदलने का दिव्य कार्य कर रहे हैं और उनके सहयोगी बनने का आधार है स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बना लेना, पवित्र बना लेना, देवत्व से भरपूर कर लेना। वो आ गए हैं सबके अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करने के लिए, याद दिला रहे हैं, हे बच्चे तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम भारतवासी बहुत महान हो, मेरे बहुत समीप हो, आ जाओ फिर से मुझसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। सचमुच मित्रों, आराधना करना, पूजा पाठ करना एक अलग विषय है, लेकिन ईश्वर को सचमुच जानना, पहचानना, उनके मार्ग पर चलना, उन्हें संपूर्ण अर्पित हो जाना, इससे बड़ा भाग्य और इससे ऊंचा जीवन और क्या हो सकता है। जब हम आध्यात्मिक रहस्यों को जानते चलते हैं तो सचमुच उस पथ पर चलना बहुत सहज हो जाता है और लगता है कि जीवन है तो यही है। ऐसा ही एक जीवन एक ऐसी महान विभूति का आज महकती यादों में हम याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने जन जन को शिव संदेश दिया और अपना संपूर्ण जीवन ही शिव पर अर्पित कर दिया। ब्रह्मा कुमारी इसकी राजयोगिनी दादी आत्ममोहिनी जी। ओम शांति। दादी आत्ममोहिनी जी जो दादी पुष्प शांता की लौकिक में छोटी बहन थी, भारत के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं करने के पश्चात कुछ समय कानपुर में रहीं। जब दादी पुष्प शांता को उनके लौकिक रिश्तेदारों द्वारा कोलाबा का सेवा केंद्र दिया गया तब ब्रह्मा बाबा की श्रीमत अनुसार दादी आत्ममोहिनी ने दादी पुष्प शांता के साथ कोलाबा सेवा केंद्र की सेवा में बहुत सहयोग दिया और उनके जाने के बाद कोलाबा सेवा केंद्र का कार्यभार संभाला। आप बहुत ही निर्माणचित और शांत स्वभाव की थी, बड़ी बात को छोटा करने में सदा ही नंबर आगे लिया, अपने नियम की पक्की और व्यवहार कुशल भी थी। आप 17 फरवरी 1996 को पुराना शरीर छोड़कर अव्यक्त वतनवासी बन गए। प्रेरित करने वाला जीवन, शिवमय जीवन, सचमुच जीवन को शिवमय कर लेना, ईश्वरमय कर लेना, ये कितने ऊंचे और श्रेष्ठ भाग्य की बात है जिसकी हम चाहना रखते हैं जीवन में। जिस परम आनंद की चाहना हर मनुष्य आत्मा रखती है वो आनंद इसी से प्राप्त होता है। और केवल दादी जी नहीं, लेकिन दादी जी को देखते हुए अनेक ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरी कार्य अर्थ अर्पित कर दिया, ब्रह्मा कुमारी संगठन से जुड़ गए, वो भी अपने जीवन के माध्यम से जन जन तक सुंदर संदेश पहुंचा रहे हैं कि जीवन जिए तो कैसे जिए। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में इन सुंदर सेवा कार्यों को। या
your start. Wish all your dream come true in 2022 and wish for world peace. 新年快乐! Om Shanti! 1 फरवरी को चीन का नववर्ष होता है, जिसका जश्न 15 दिन तक पूरे जोर शोर से मनाया जाता है। इसी के चलते ब्रह्मा कुमारी चीन ने भी चीनी न्यू ईयर को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था की जॉइंट हेड और एशिया पैसिफिक रीजन की डायरेक्टर बीके डॉक्टर निर्मला के वेलकम मैसेज से हुई। इसके पश्चात मेडिटेशन द्वारा आंतरिक शक्तियों का जागरण और दैवी गुणों की धारणा विषय पर बीके सपना ने इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने टॉपिक पर चर्चा की और कई लोगों ने अपनी कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी दी। मित्रों, एक दर्पण यदि टूट भी जाए दो टुकड़े में या हजार टुकड़े में, लेकिन वो अपनी असली पहचान को नहीं छोड़ता। हम भी चाहे कैसे भी बातें हों जीवन में, अपने असली स्वभाव, असली संस्कार को ना छोड़ें। असली स्वभाव हमारा है प्रेम में रहना, शांति में रहना, खुशी में रहना, आनंद में रहना, संतोष में रहना और यही दूसरों को प्रदान करना। तो आज सारे दिन के लिए यही एक सुंदर संकल्प रखें कि कुछ भी हो, हम अपने असली स्वभाव, मूल नेचर में ही रहेंगे और सभी को आनंद प्रदान करते चलेंगे। तो ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के लिए। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी इसी वायदे के साथ। नमस्कार। ओम शांति।